मैंने अपना 1K का बताया था कि 1K सब्सक्राइबर मेरे हो चुके हैं. सो नाउ दिव्यांश एंड बंटी भैया केम एंड दे सरप्राइज मी विद द केक. सो आई वॉज एक्सट्रीमली हैप्पी कि यार भाई 1K की खुशी में इतना अच्छा सेलिब्रेशन ना. इट वॉज डोप यार, डोप भयंकर, बहुत मजा आया यार. तो बंटी भैया ये रे, ये जिसने 3 महीने में मतलब ये अचीव करा है, तो बहुत अच्छा लगता है. मतलब ऐसे, मतलब जिन लोगों को आप जानते हो वो ऐसे ऐसा कुछ कर जाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है. भाई मैं खुद खुश हो गया था. मैं तो बंटी भाई से इंस्पायर हुआ ब्लॉगिंग के चक्कर में, क्योंकि हम दोनों ने साथ में खोला था एंड आई वॉज लाइक कि मैं भी करूँगा ब्लॉगिंग. और ये दिव्यांश भाई, ये बंदा हमारे साथ हर जर्नी में रहा है, हर जर्नी में भाई ही हेल्प मी अ लॉट. सामान उठाने से लेके हर चीज से लेके, मतलब दिव्यांश से बहुत हेल्प करी है. तो अभी हम इसका इंस्टाग्राम अकाउंट भी है. तो अभी हम जा रहे हैं हिमालयन कैफे, क्योंकि यहाँ नॉन वेज नहीं बनता महक में जहाँ पर हम खा रहे हैं. वहाँ थोड़ा सही हो गया ना, मौसम भी देखो क्या प्यारा हो गया यार, प्यारा सा भयंकर. अभी जा रहे हैं हम सीधे वहाँ. सो स्टे ट्यून्ड, ये चलो चलो चलो. भैया तो भैया पैकिंग करने लग गए, खत्म हो गया क्या? क्या हाल है भैया? खाना वाना आज क्या होता है? हेलो भैया, बारिश की वजह से आज पूरा. अच्छा मैं सोचा पैक करके मैं घर, चलो भाई सो जाते हैं. कमाता ठीक है यार, ठंडा कमाता हुआ है, पता नहीं. तो अभी हम पहुंच चुके हैं हिमालयन कैफे. तो अभी हम हिमालयन कैफे पहुंच चुके हैं. बंटी भाई बहुत ठंडा लग रहा है ना? बहुत ज्यादा ठंडा हो रहा है भाई. साहब पीछे देख सकता है मौसम कितना ड्रास्टिक हो रहा है भाई, इतना ठंडा. दिक्कू भाई जरा कहां है दारा भाई? यार तू ही तो है हमारा मेन डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी, डीओपी तो यही है हमारा. डीओपी सर हमारा. ठंडा लग रहा है ना? बहुत केक काटा जाए अब? बिल्कुल भाई, ये चलो चलो केक काट. The ones who heard my cries and watched me weep. I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. So, more content on the way, more vlogs on the way. बिल्डअप हो गया मेरा 1K के बाद कॉन्फिडेंस यार, बहुत ज्यादा. और याद दिव्यांश भाई, भाई भूख लग रही बहुत. हेलो गाइस, मोमोज खा लो. मोमोज खा लो यार, मतलब बहुत ही अच्छा लगा बेटा आज, मजा ही आ गया यार. बंटी भाई भी कल परसों देहरादून चले जाएंगे तो फिर हम अकेले पड़ जाएंगे. ये हार्दिक के सब्सक्राइबर के लिए एक बात बोलना चाहेंगे. देखो अगर आप कुछ भी करते हो ना लाइफ में तो उस पर अपना बेस्ट दो. वही है कि कभी ना कभी वो चीज़ आपको, मतलब किसी चीज़ में अगर आप इनपुट दे रहे हो तो कभी ना कभी वो आउटपुट दे के रहेगी. ऐसे नहीं कि मतलब बीच में मतलब होप लूज कर लिया, कुछ कर लिया. अगर हार्दिक ने सपोज बीच में अगर ये कर लिया होता कि नहीं यार अब नहीं हो पा रहा, तो वही 1K नहीं कर पाता कम्प्लीट इतनी जल्दी. तो अ बिग थम्स अप फॉर हिम. अरे भैया थैंक यू. जरूरी नहीं है कि मतलब इसी फील्ड में हो, व्लॉगिंग के फील्ड में, मतलब और भी बहुत चीजें हैं, पढ़ाई है या कुछ भी, आप किसी चीज की भी तैयारी कर रहे हो अपना बेस्ट दो, वही आउटकम जरूर निकलेगा. वही हार्डशिप तुम्हें फेस करनी पड़ेगी, स्ट्रगल तुमने करना ही पड़ेगा, तभी तो आगे तुम्हें सक्सेस मिलेगी. मैं तो बिना स्ट्रगल के कुछ नहीं होगा भाई, तो हर चीज में स्ट्रगल करना पड़ेगा. एंड बंटी भाई इज ऑन द वे ऑफ ऑन 1K. सो बंटी भाई भी यहाँ पार्टी देंगे जब तक ये व्लॉग आएगा ना. आई थिंक हो जाएंगे. हाँ जब तक हमारा व्लॉग आएगा ना, एक हफ्ते में हो जाएंगे बंटी भाई के 1K. सो स्टे ट्यून्ड, दूसरा व्लॉग भी आएगा 1K टू बंटी भाई. ये तो चलिए बाय, घर जाते हैं अब, बहुत रात हो चुकी. बाय, ऑन कर दिया. थैंक यू ब्रो फॉर टर्निंग ऑन द माइक.
अरे जा यार निकलना, चलो मैं नीचे जाऊँ थोड़ा। अबे यार भाई मेरे को जाने दे, मेरे को करने दे। चल थप ले, चल नीचे प्लीज 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 प्लीज। भाई ये दोस्त ना जीने नहीं देते, डिस्टर्ब करने आएंगे बट डीप डाउन दे सपोर्ट मी अलॉट। ऐसे लोग हैं मेरी जिंदगी में जो मेरे को सपोर्ट करते हैं बहुत। तो हेलो गाइस, तो कैसे आप लोग, दिस इज हार्दिक रावत द ट्रैवल ब्लॉगर्स ब्लॉगिंग अ लाइफ ऑन द रोड। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छा हूँ, आपके घर में भी सब अच्छे होंगे, आपकी दादी आपकी नानी सब बढ़िया होंगे। सो आपने अभी थोड़ी देर पहले वीडियो देखी मेरे 1K सेलिब्रेशन की, एंड यू विल बी नोइंग कि यार मेरे 1000 सब्सक्राइबर पार हो चुके हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक every person who liked my vlog, every person who commented on my vlog, every single person who viewed my vlog for making me feel so good. Yaar tum logi ki wajah se shayad se main abhi 1K touch nahi kar pata, and you were the only one who supported me in my 1 subscriber, who supported me in my first video, and till now I am with more than 20 videos. So thank you so much for supporting me guys. To journey itni aasan nahi hoti jitna dikhta hai. लोगों को लगता है कि व्लॉगिंग क्या है, कैमरा निकाला बोला सीधा डाला, नहीं, इट टेक अ लॉट ऑफ स्टेप्स टू मेक अ परफेक्ट व्लॉग। बिफोर स्टार्टिंग दोस थिंग्स मैं कहना चाहता हूँ कि कोई भी चीज़ इजी नहीं होती, बोलना इजी नहीं होता, सुनना इजी नहीं होता, करना इजी नहीं होता, यू जस्ट नीड टू स्ट्रगल, यू जस्ट नीड टू हसल इन ऑर्डर टू सक्सीड। ठीक है, पढ़ाई करोगे ना, तुम्हें पढ़ना पड़ेगा पास होने के लिए, चीटिंग कब तक करोगे आप चीटिंग। तो व्लॉगिंग के साथ भी वही है, कब तक आप अपने आप को समाज से छुपाए रखोगे। व्लॉगिंग का मतलब क्या, लोग बोलते हैं कि हम व्लॉग्स बना रहे हैं, व्लॉग्स की कुछ क्या करते हैं, वो सिनेमैटिक्स दिखाते हैं उसके बाद अपने को कभी नहीं दिखाते। सो दैट इज़ नॉट द व्लॉग, दैट इज़ अ सिनेमैटिक मूवी और अ शॉर्ट फिल्म बोल सकते हैं जिसे। सो बेसिकली मेरे को ना लोगों के साथ इंटरेक्ट करने में बहुत अच्छा लगता है। आई लव टू इंटरेक्ट विद पीपल, आई लव टू इंटरेक्ट विद स्ट्रेंजर्स, आई लव टू इंटरेक्ट विद अननोन पर्सन जो मेरे को दिखते हैं, एंड आई रियली फील गुड कि मेरे को आज तक जितने लोग दिखे हैं ना, दे ऑलवेज इंटरेक्टेड वी इन अ गुड वे, दे ऑलवेज आस्क्ड मी कि भैया आप क्या करते हैं, भैया आप ये क्यों कर रहे हैं, आपने क्या करा, आपको क्या मिल रहा है इस चीज़ से। तो दीज वर द फ्यू क्वेश्चन जो लोगों ने मेरे से पूछे, मैंने उनके जवाब भी दिए, जवाब दिए हैं कि मेरे को इन सब चीज़ों से कुछ नहीं मिला, मुझे खुशी मिलती है इन सब चीज़ों से, मुझे एक अच्छी वाइब्स आती है मेरे अंदर जब मैं व्लॉग्स करता हूँ, मेरे को एक अंदर से सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है मेरे अंदर कि मैं व्लॉग कर रहा हूँ। सो दीज थिंग्स रियली हेल्प मी अ लॉट। बात ये है कि बहुत सारी लाइफ में बहुत सारे लोग आते हैं, दे स्पीक इल ऑफ यू, दे स्पीक वेरी बैड ऑफ यू। व्हेन आई वाज इन माय 100 सब्सक्राइबर्स ना, पीपल ट्रोल्ड मी कि हेलो गाइस कैसे हैं आप लोग, पूरा स्पैम कर देता था ग्रुप, एंड आई वाज लाइक मेरे को बुरा लगा क्योंकि 100 सब्सक्राइबर ऐसा था कि यार कम फैमिली है। दैट टाइम आई वॉज लाइक यार बहुत मेरे को बहुत अजीब से लग रहा है, बट कोई नहीं, मेरा भी यही था कि यार थोड़ा इम्प्रूव करूँगा, मैंने हे गाइस थोड़ा छोड़ा। तो बात यह है कि लोगों को व्लॉगिंग क्या लगती है कि सिनेमाटोग्राफी है, बट व्लॉगिंग सिनेमाटोग्राफी नहीं है, व्लॉगिंग इज़ लाइक इंटरेक्टिंग विद पीपल, डूइंग स्टफ्स जो तुम डेली लाइफ में करते हो, दैट इज़ व्लॉगिंग, इंटरेक्ट करना व्लॉगिंग है, अपने आप को दिखाना व्लॉगिंग है, अपने दोस्तों से बात करना, लोगों के साथ बात करना व्लॉगिंग है, थोड़े बहुत सीन्स दिखाना व्लॉगिंग है, दैट इज़ द मेन मीनिंग ऑफ व्लॉगिंग। ठीक है, तो मेरा ये कहना है लोगों से कि अगर मैं कर सकता हूँ ना तो सब कर सकते हैं, बट यू जस्ट नीड टू हसल, यू नो हसल एक ऐसी चीज़ है ना, अगर तुमने इस चीज़ को कर ली ना, मैं सच बता रहा ज़िंदगी सफल है, हसल किया तो ज़िंदगी सफल हो जाएगा आपका। सो दैट इज़ द मेन थिंग आज के जो इस वीडियो के बारे में मैं कहना चाहता हूँ कि पहला व्लॉग मेरा आया, दैट टाइम मेरे को शर्म आई, मैं थोड़ा सिटी से बाहर गया, दूसरे व्लॉग में मैं सिटी से बाहर गया। यहाँ के लोगों को तो पता होगा, बट जो बाहर के लोग हमारे व्लॉग्स देखेंगे आने वाले टाइम में उनको भी पता रहेगा, और इससे मतलब इस जगह की शोभा बहुत बढ़ती है। तीसरे व्लॉग में तो मैं डिस्ट्रिक्ट से बाहर चले गया, टिहरी चले गया मैं, उसके बाद मैंने बात करी, वहाँ किसी रेस्टोरेंट में रुका था पीपल डाली पुल के वहाँ, सो ही वॉज रियली इंटरेक्टिव, ही जस्ट टोल्ड कि मैं आपको इसकी हिस्ट्री के बारे में बताता हूँ। सो मैंने कहा यार जब मौका मिल रहा तो करो भाई बात, उसके बाद थोड़ा सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ। उसके बाद दिवाली का सीज़न था, आई जस्ट डिसाइडेड टू व्लॉग ऑन माई सिटी पौड़ी, पौड़ी में लोग ऐसे हैं कि घूरते बहुत हैं, पर कोई नहीं, अब घूरे ना, अब जो लोग घूरते हैं ना तो इतना अच्छा फील होता है कि यार घूरो यार घूरो सब। सो दैट डे अ बॉय केम टू मी एंड ही आस्क्ड मी अबाउट भैया आप करते क्या हैं, भैया आप
क्यों कर रहे हैं ये सब, व्लॉगिंग कैसी करते हैं आप, आपको किस चीज़ ने मोटिवेट किया कि आप व्लॉग्स करें। सो मैंने बताया कि मैं ये करता हूँ वो करता हूँ, सो दैट बॉय वॉज रियली इंट्रैक्टिव। कितने सब्सक्राइबर्स हैं भाई? अभी तो मेरा चैनल ग्रो ही हो रहा है, अभी मेरे मोर देन 250 सब्सक्राइबर्स हैं, अभी 278 हो चुके हैं अभी। चैनल का नाम क्या है? मेरा चैनल का नाम है द ट्रैवल ब्लॉगर्स। आफ्टर दैट मेरे को उस दिन के बाद से बहुत सेल्फ कॉन्फिडेंस मेरा बूस्ट अप हुआ, एंड लिटरली दैट डे वॉज अ टर्निंग पॉइंट ऑफ माई लाइफ, जब मैंने सोचा कि अब मैं सिनेमैटिक्स से ज़्यादा बोलूँगा, सिनेमैटिक्स से ज़्यादा बोलूँगा। दो मेरी आवाज़ किसी को लगती है कि चुभरी है, बट स्टिल आई विल ट्राई ऑन इम्प्रूविंग माई वॉइस। मैं अपनी आवाज़ सुधारने की कोशिश करूँगा, अपना एक्सेंट सुधारने की कोशिश करूँगा आपके लिए। सो उसके बाद बासा का व्लॉग आया। बासा का व्लॉग वॉज द मेजर व्लॉग, सबसे पहला व्लॉग जो मेरा 1000 व्यूज टच करा है वो बासा का है इन दिस 2 डेज। एंड दैट टाइम आई वॉज इन 400 सब्सक्राइबर, एंड बासा का व्लॉग, बासा वॉज अ ब्लेसिंग फॉर मी। बासा चेंज माई लाइफ। पहला फेज चेंज करा बासा ने, क्योंकि 500 सब्सक्राइबर, पहले तो सबसे बड़ा फेज ये होता है कि 100 सब्सक्राइबर के मार्क पहुँचने में इतनी खुशी मिलती है, देन यू एक्सपेक्ट फॉर 500, एंड बासा ने मेरे को 500 ला के दिए। एंड उसके बाद से आई वॉज जस्ट लाइक कि चलो अब तो भाई ट्रिप्स मारूंगा, संडे को बासा, उसके बाद देवलगढ़, देन ज्वालपा देवी, देन कॉटचूला वाला ब्लॉग सबसे हाइप में कॉटचूला वाला ब्लॉग गया। जाने मेरा दिल कहे किसको सुनाऊं मैं बता, वो पहाड़ मेरा गए। एंड उसके बाद से आई डिसाइडेड कि चाहे मैं पौड़ी में करूं, चाहे मैं श्रीनगर में करूं, चाहे मैं कहीं भी करूं, मेरे को डर नहीं लगता अब किसी से, मेरे को शर्म नहीं आती, क्योंकि अब ऐसा हो गया ना कि आई एम यूज्ड टू विथ व्लॉगिंग वर्ल्ड। सो उसके बाद से आई केप्ट ऑन कंटिन्यूसली मेकिंग व्लॉग्स। फिर भी मेरे को ट्रोल किया लोगों ने, फिर भी मेरे को लोगों ने बेइज्जती करी कि यार क्या कर रहा है यार ये, मतलब दे ट्रोल्ड मी, उन्होंने मेरी मिमिक्री करनी स्टार्ट कर दी। दैट वॉज रियली डिसअपॉइंटिंग फॉर मी। बट मेरे को अभिषेक भैया ही टोल्ड मी कि लोग क्या सोचेंगे में ही अगर तेरी सोच डूबी रही है ना भाई, तू कभी कुछ नहीं कर सकता। दैट वर्ड हिट माई हार्ट सीरियसली। कुछ फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए आपको लोगों को कहने से। सो दैट डे दैट वॉज द टर्निंग पॉइंट ऑफ माई लाइफ। एंड आफ्टर दैट कंडोलिया में गया मैं, दैट वॉज ऑल्सो रैंडम ब्लॉग, मुझे नहीं पता था कि वहाँ CM आ रहा है, मुझे तो डे सुबह ही पता चला, उस दिन रात को ही पता चला कि CM आ रहा है, तो आई जस्ट डिसाइडेड कि अब ब्लॉग बनाऊंगा। सो मैं गया, आई रियली मेट लॉट ऑफ पीपल। पारितोष मिला, एक मेरा दोस्त था छोटा भाई समान, ही मेट मी। एक दो लड़कियां मिली मुझे छोटी बहन जैसी, दे रियली अप्रिशिएटेड माई वर्क। मैं कभी भी जाता हूँ ना, कहीं भी मेरे को कोई ना कोई दिख जाता है, दे ऑलवेज अप्रिशिएट फॉर व्हाट आई डू, दे ऑलवेज अप्रिशिएट फॉर माई ब्लॉगिंग। सो आई रियली थैंक ईच एंड एवरी वन ऑफ यू जिन्होंने मेरे को इतना सपोर्ट दिया। आई रियली थैंक ईच वन ऑफ यू फॉर शेयरिंग माई ब्लॉग्स। आई रियली थैंक ईच वन ऑफ यू फॉर कमेंटिंग ऑन माई ब्लॉग्स। एंड आई रियली थैंक ईच वन ऑफ यू फॉर डिसलाइकिंग माई ब्लॉग्स, क्योंकि तुम्हारे डिसलाइक से मुझे मोटिवेशन मिलती है। सो अभी मैं थोड़ा प्रोजेक्ट में काम कर रहा हूँ, बट सून मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि आई विल गिव यू एटलीस्ट 1 vlog इन अ वीक, वीकली ब्लॉग आएगा आप लोगों के लिए। एंड सच में थैंक्स टू एवरी वन फॉर सपोर्टिंग मी, थैंक्स टू एवरी वन फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग्स, थैंक्स टू एवरी TTV फैम फॉर मेकिंग मी सच अ पर्सनैलिटी कि मैं पहले जैसा नहीं रहा। आई हैव बिल्ड अप कॉन्फिडेंस इन माई सेल्फ, आई हैव डेवलप माई कम्युनिकेशन स्किल्स, एंड टू बी ऑनेस्ट आई विल गिव यू द बेस्ट कंटेंट, आई विल गिव यू द बेस्ट एडिटिंग इन फ्यूचर टू। सो थैंक यू एवरी वन, लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम माई साइड, थैंक यू।